हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल थ्री वर्ल्ड। और आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ टीआरई 3.0 के रिगार्डिंग। अब तक आप सबको पता चल गया होगा कि टीआरई 3.0 की वैकेंसी 15 फरवरी तक रिलीज कर दी जाएगी और इसका एग्जाम जो है वो मार्च एंड में कंडक्ट किया जाएगा। और नंबर ऑफ वैकेंसीज जो रिलीज की जाएंगी वो लगभग 65,000 प्लस होंगी, तो नंबर ऑफ वैकेंसीज कम नहीं है इस बार भी। इस बार भी बहुत सारी वैकेंसीज रिलीज की जा रही है। और जहां तक मैं बात करूँ कि ये न्यूज फेक है या फिर असली है, तो मैं आपको सिर्फ एक ही चीज कहूंगी कि जब टीआरई 2.0 की वैकेंसी आने वाली थी तो इसी तरह से पहले न्यूज़पेपर में और न्यूज चैनल्स में आ रहा था न्यूज, और बाद में ये वैकेंसी सही साबित हुई, एग्जाम भी कंडक्ट कराया गया और अभी जो है हमारी ज्वाइनिंग भी धीरे धीरे कराई जा रही है। तो इसीलिए मैं आपको कहूंगी कि टीआरई 3.0 का जो न्यूज है मुझे जहां तक लगता है कि सच ही होगा। और न्यूज भी आ गई है ना मान लीजिए, तो आपको पहले से अलर्ट हो जाना है, क्योंकि जितना टाइम आप ये सोचने में लगा देंगे कि न्यूज़ फेक है या रियल है, पता चला कि आपका 15 फरवरी तक का टाइम जो है वो वेस्ट हो गया और 15 फरवरी को वैकेंसी रिलीज कर दी गई, तो अब ना फिर आपको बहुत ज़्यादा पछतावा होगा। मतलब 1 फरवरी से लेके 15 फरवरी, 15 दिन वेस्ट करना अपने आप में आपको बहुत बड़ा घाटा लग सकता है। तो इसलिए मैं आपको कहूँगी कि आप अभी से ही अलर्ट हो जाइए। अलर्ट होने में कोई बुराई नहीं है, अगर आप 15 दिन पहले से पढ़ना शुरू कर देंगे तो कहीं ना कहीं आपको ही फायदा होगा लॉन्ग टर्म में। तो इसीलिए मैं आपको कहूंगी कि अलर्ट हो जाइए और पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि न्यूज रियल और फेक पे अगर आप जाएंगे तो आपका बहुत सारा टाइम जो है वो वेस्ट हो जाएगा। और स्पेशली मैं लड़कियों को कहूंगी कि थोड़ा सा ज्यादा भी पढ़ लेंगे तो कोई बुराई नहीं है इसमें, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे पास बहुत कम टाइम होता है, घर के काम करने होते हैं और बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है, तो इस वजह से हम बहुत ज्यादा टाइम जो है स्टडीज को नहीं दे पाते हैं। लेकिन मैं लड़कियों को यही कहूंगी कि अब जो लास्ट के 50 दिन बचे हैं, लगभग आपके पास 50 दिन ही है तैयारी 3.0 की तैयारी करने के लिए, और इन्हीं 50 डेज में आपको क्या करना है, आपको पढ़ना भी है, रिवीजन भी करना है और मॉक टेस्ट भी लगाना है, मतलब बहुत सारा प्रैक्टिस भी करना है। तो ये तीनों चीज आपको 50 डेज में करने ही होंगे। तो इसीलिए मैं आपको यही कहूंगी कि काम जो भी आपके घर के उसको छोड़ दीजिए, 1 महीने के लिए ना सब कुछ छोड़ दीजिए और पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये 1 महीना लाइफ चेंजिंग हो सकता है आपके लिए। क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट इतनी जल्दी ना तो एग्जाम कंडक्ट कराती है और ना ही इतनी जल्दी रिजल्ट देती है, लेकिन बिहार में ये हो रहा है कि एग्जाम कंडक्ट कराया जा रहा है और विद इन 2 मंथ आपको ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जा रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि टीआरई 3 में भी यही चीज फॉलो होगा। तो समझ लीजिए कि ये 1 महीना आपके लिए कितना क्रूशियल है। इस 1 महीने में आप जान लगा दीजिए, क्योंकि ये 1 महीना ना आपकी जिंदगी बदल देगा। और मैं आपको बताऊं, जब जॉब हो जाती है ना तो लोगों का नजरिया आपके लिए चेंज हो जाता है। जो लोग आपसे बदतमीजी से पेश आ रहे होंगे पहले, वो बाद में आपसे तमीज से पेश आने लग जाते हैं। और कहीं ना कहीं ये डिफरेंस लड़कियों की लाइफ में जॉब के बाद ही देखने को मिलती है। तो मैं आपको यही कहूंगी कि चाहे घर के कितने भी काम क्यों ना हो, आपको इन लॉज अपोज क्यों ना करते हो, नेगेटिव क्यों ना बोलते हो, चाहे कोई भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्यों ना हो, सबको साइड कर दीजिए। सारे प्रॉब्लम्स को कह दीजिए कि ठीक है, सारे प्रॉब्लम्स के साथ डील करूंगी लेकिन 1 महीने के बाद। और इस 1 महीने में, मतलब 1 महीने और जो आपको अलग से 20 दिन मिलेगा, मान के चले 50 दिन, इन 50 दिनों में आप अपना फोकस सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर रखिए, क्योंकि ये 50 दिन आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। मुझे पता है कि जब से ये न्यूज़ आई होगी आप सबके अंदर एक डीमोटिवेशन आ गया होगा कि हमारे पास केवल अब 50 दिन है, 50 दिन में हम कैसे ही कर लेंगे तैयारी, क्या ही पढ़ लेंगे। लेकिन आपको पता है, पढ़ने वाला ना इसी में पढ़ लेता है और नौकरी ले लेता है। और बहुत सारे लोग ऐसे लास्ट टाइम में हुए थे, लाइक टीआरई 2 के लिए भी हमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिला था, लगभग 60 दिनों का टाइम मिला था, और उतने में ही बहुत सारे लोगों ने पढ़ाई करी और क्वालिफाई किया। कुछ लोगों ने तो तीनों में क्वालिफाई किया, 6 to 8, 9, 10, 11, 12 में क्वालिफाई किया। जैसे आप मेरी एक बात ले लीजिए, मैंने 6 to 8 और 9, 10 दोनों में क्वालिफाई कर लिया। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, तो इसीलिए डीमोटिवेट मत होइए, क्योंकि जितना कम टाइम होता है ना उतना ज़्यादा फोकस के साथ पढ़ते हैं, और जितना ज़्यादा टाइम होता है हमारा फोकस उतना कम होता है। तो इसीलिए अगर आपके पास 50 दिन है तो डीमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है, 50 दिनों में बहुत कुछ किया जा सकता है। हर दिन 10 से 12 घंटे पढ़िए, क्योंकि 10 से 12 घंटा पढ़ना ना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट कम नहीं है। आप देखिए कि बहुत सारे फ्रेशर कैंडिडेट होंगे, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनका टीआरई 1 और टीआरई 2 में 2-3 नंबर से नहीं हुआ होगा, और कुछ कैंडिडेट्स ऐसे भी होंगे जो टीआरई 2 में तो सिलेक्टेड है बट किसी हायर पोस्ट के लिए, जैसे 6 to 8 में अगर उनका सिलेक्शन हुआ है तो वो 9, 10 के लिए अप्लाई करेंगे या 11, 12 के लिए अप्लाई करेंगे। तो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ऑब्वियसली बात है बहुत ज़्यादा होंगे, और हर तरह के कैंडिडेट के साथ आपको कम्पीट करना है। तो अगर आपको सबके साथ कम्पीट करना है तो आपको
सबसे आगे रहना होगा। तो अब आप आगे कैसे रहेंगे ये मैं आपको अभी बताती हूँ। जो भी अभी से लेकर 50 दिनों का टाइम आपको मिला है, आपको इसमें क्या करना है, हर दिन का आपको रूटीन बनाना है। आप कितने बजे उठेंगे, कितने बजे खाएंगे, कितने बजे सोएंगे, क्या क्या करेंगे, हर दिन का रूटीन अभी से आपके पास होना चाहिए। आपके पास रोड मैप होना चाहिए 50 दिनों का कि आपको हर दिन क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, उसको रिविजन कब करना है और प्रैक्टिस कब करना है। ये रोड मैप बना लीजिए, भले ही आपको इसमें 1 से 2 दिन का टाइम लग जाएगा, लेकिन जब आपके पास क्लियर रोड मैप रहेगा ना, तो आपको बस इतना पता होगा कि मुझे ये रोड पे चलना है और ऐसे ऐसे मैं पढ़ूंगी तो मेरा सिलेबस जो है वो कंप्लीट भी हो जाएगा, रिविजन भी हो जाएगा और प्रैक्टिस भी हो जाएगा। तो आपके पास आपका रोड मैप होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये 50 दिन आप सिर्फ और सिर्फ अपने करियर को डेडिकेट करेंगे, किसी भी पर्सन को नहीं, कोई भी फैमिली मेंबर को नहीं, ना ही फैमिली को, ना ही सोसाइटी को। लड़कियों के पास ये बहुत सारा प्रेशर होता है कि शादी में जाना है तो हमें ही तैयारी करनी होगी, घर में कोई पूजा है तो हमें ही तैयारी करनी होगी, फैमिली में किसी की तबीयत खराब है तो हमें ही देखभाल करनी होगी, घर अगर गंदा पड़ा है तो हमें ही साफ करना है। तो ये 50 दिनों के लिए भगवान के लिए सारे काम को भूल जाइए, क्योंकि जब आप इन चीजों से छुटकारा पाएंगे तभी स्टडीज में फोकस कर पाएंगे। ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 50 दिनों का रोड मैप बनाइए, हर दिन लगभग 10 से 12 घंटे पढ़ाई जरूर कीजिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए। भले आप 50 दिन घर में काम मत कीजिए, लोग ताने मारेंगे, कुछ आपको गलत सलत कहेंगे, आप सुन लीजिए, लेकिन 50 दिनों तक सिर्फ और सिर्फ, देखिए मैं हमेशा ये कहती हूँ कि टाइम आपका है ना, तो सबसे पहले उस पर आपका हक है। तो 50 दिनों का जो टाइम है वो सिर्फ अपने लिए यूज कीजिए। अगर मैं आपकी जगह होती तो मैं कुछ इस तरह से स्टडी स्लॉट बनाती, सुबह 4 से लेकर 8 बजे तक, दोपहर को 12 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक, और फिर शाम को 6 बजे से रात के 10 बजे तक। तो अगर मैं ये 4-4 घंटे का 3 स्लॉट बनाती तो टोटल 12 घंटे मेरे कंप्लीट हो जाते हैं। तो आपको भी आप अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर लीजिए, और 4-4 घंटे का आपको 3 स्लॉट बनाना ही बनाना है। जो फर्स्ट स्लॉट होगा आपको, उसमें आपको पूरा पढ़ना है GK GS। GK GS में आप टॉपिक लिख लीजिए कि आपको कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। जैसे अगर मैं बात करूँ कि हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री में केवल भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, मतलब कि मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा जाता है। भूगोल में आपको पूरा NCERT और SCERT पढ़ना पड़ेगा। पॉलिटी में वैसे कुछ खास क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, और कुछ क्वेश्चन जो है इधर उधर के भी डाले जाते हैं। जनरल साइंस भी आपको पढ़ना होगा। तो फर्स्ट जो 4 घंटे का स्लॉट है वो आप GK GS को डेडिकेट कीजिए, क्योंकि GK GS अपने आप में एक बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है। क्योंकि अगर वो भी 40 मार्क्स का है, उसमें कम से कम आपको 20 से 25 मार्क्स लाना ही पड़ेगा, तभी आपका सिलेक्शन होगा। फिर नेक्स्ट जो आपका स्लॉट है 12 से 4 का, जो कि मेरे अकॉर्डिंग, मैंने अपने अकॉर्डिंग रखा है, तो आप अपना कुछ भी अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कीजिए, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो सकते हैं आप। नेक्स्ट स्टडी स्लॉट में आपको सब्जेक्ट स्पेसिफिक पर फोकस करना है। लाइक अगर आपका 6 to 8 है तो आपका सब्जेक्ट मैथ्स एंड साइंस है, सोशल साइंस है, लैंग्वेज है, क्या है, उस पर फोकस कीजिए, और 4 घंटे सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट स्पेसिफिक को दीजिए। और जो लास्ट आपका स्लॉट बचता है शाम को 6 बजे से रात के 10 बजे तक का, उसमें आप रिविजन टाइम रखिए कि आपको जो भी आपने सुबह में और दोपहर में पढ़ा है उसको एक बार रिविजन करना है, यूट्यूब से MCQs प्रैक्टिस करने हैं, अगर आपके पास कोई अच्छा मॉक टेस्ट है तो आप उसको भी लगा सकते हैं। तो याद रखिए, प्रैक्टिस सबसे ज्यादा जरूरी है। थ्योरी आपको 2 स्लॉट में पढ़ना है, 3rd स्लॉट में उन थ्योरीज को रिविजन करना है और उनसे रिलेटेड MCQs आपको सॉल्व करने हैं। तो इस तरह से आप 4-4 घंटे का 3 स्टडी स्लॉट अभी से ही बना लीजिए, और इसमें आप स्पेसिफिकली लिख दीजिएगा कि Day 1, लाइक आज 1st फरवरी है, तो 1st फरवरी को मुझे क्या क्या पढ़ना है GK GS में, सबजेक्ट स्पेसिफिक में क्या क्या पढ़ना है, Day 2 को क्या क्या करना है। तो ऐसे करके आप 50 दिनों का रोड मैप तैयार कर लीजिए और इसको डेडिकेशन के साथ फॉलो कीजिए, क्योंकि आपको पता है अगर आप इसे डेडिकेशन के साथ फॉलो करेंगे ना, तो आप लगभग 80 से 90% सिलेबस कंप्लीट कर चुके होंगे। कहने में बहुत ये लगता है कि 12 घंटे में क्या हो जाएगा, या फिर 4 घंटे सब्जेक्ट स्पेसिफिक पढ़ेंगे तो कैसे कंप्लीट होगा, लेकिन अगर आप उसको फोकस के साथ पढ़ेंगे ना, तब आप देखिएगा कि आप बहुत सारी चीज़ें जो है वो कंप्लीट कर पा रहे होंगे। नहीं तो फिर क्या होगा, आपको पता है आपका सारा टाइम इधर उधर स्क्रॉलिंग में चला जाएगा, यूट्यूब पे देखने में कि क्या पढ़े, कैसे पढ़े, और इसमें आपका बहुत सारा टाइम जो है वो वेस्ट हो जाएगा। इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि 1 से 2 दिन का टाइम जरूर ले लीजिए, लेकिन
अपने लिए मटेरियल डिसाइड कर लीजिए, 3 स्टडी स्लॉट में अपने टाइम टेबल को डिवाइड कर लीजिए और जैसे मैं बता रही हूँ आप वैसे करके पढ़िए, आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा नजर आएगा। और अगर आप ऐसे करके 50 दिन तक पढ़ लेते हैं, यकीन मानिए 80 से 90% सिलेबस आपका कंप्लीट होगा और आप एग्जाम में अच्छा स्कोर करके जरूर आएंगे। और मैं आपको एक बात बताऊँ, जो लोग ऐसे 50 दिनों तक 10 से 12 घंटे पढ़ लेंगे ना, मैं आपको बता रही हूँ उनका जरूर से जरूर सिलेक्शन हो जाएगा। हाँ, एक चीज़ और याद रखिएगा, एक दिन भी आपको इसमें गैप नहीं करना है। लाइक ऐसे नहीं सोचना है कि एक वीक पढ़ लिया चलो आज 8 फरवरी आज रेस्ट कर लेते हैं, आपको ऐसे नहीं करना है क्योंकि एक एक दिन अभी आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके मॉक में 50 से 60 नंबर भी अभी आ रहे हैं ना, तो उसको अगले 50 दिनों में 90+ तक पहुंचाया जा सकता है। शर्त केवल इतनी है कि आपको दुगनी डेडिकेशन के साथ, दुगनी मेहनत के साथ पढ़ाई करनी होगी। और आपको पता है अगर आप ये 50 दिन में अपने टाइम टेबल को फॉलो कर लेते हैं तो सब कुछ ज़िंदगी में पॉसिबल है। इस बार आपको तैयारी 90+ की करनी होगी, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। अगर आप 90+ की तैयारी नहीं कर पा रहे हैं तो फिर कुछ भी कहना मुश्किल है। लेकिन हाँ, मैं आपको इतनी बात ज़रूर कहूँगी कि दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता है, कमी सिर्फ और सिर्फ हमारे अंदर की मेहनत और डेडिकेशन में होती है। जिस दिन आप ये ठान लेंगे ना कि आपको ये गोल अचीव करना है, आपको सिर्फ इसके लिए काम करना है, उस दिन आप लाइफ में कुछ भी अचीव कर पाएंगे। बस ठान लीजिए कि अगले 50 दिनों तक आपको कुछ नहीं दिखाई देना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ एक चीज दिखाई देनी चाहिए, TRE 3.0। उसको कैसे आपको अचीव करना है, उसमें कैसे सिलेक्शन लेना है, बस आपके दिमाग में यही बातें चलनी चाहिए और आपके आसपास का एनवायरनमेंट भी वैसा ही होना चाहिए, क्योंकि अगला जो 50 दिन है वो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ चेंजिंग हो सकता है। तो क्या आप नेक्स्ट 50 डेज में अपनी जिंदगी बदलने के लिए तैयार है? अगर हाँ तो कमेंट में जरूर लिखिएगा, यस आई एम रेडी टू चेंज माई लाइफ। मैं बस आपको इतना कहूंगी कि अगर आप 50 दिनों तक अपने रूटीन को, अपने टाइम टेबल को अच्छे से फॉलो कर लेते हैं तो आपके ऊपर जो बेरोजगार एस्पिरेंट का धब्बा लगा है वो कहीं ना कहीं हट जाएगा। और आपको पता है ये 50 डेज ना आपके लिए लाइफ चेंजिंग हो सकते हैं, और इसको लाइफ चेंजिंग आप ही बना सकते हैं, कोई दूसरा नहीं बना सकता है। अगर आपको जॉब लेनी है तो मेहनत आपको ही करनी पड़ेगी, कैसे टाइम निकालना है, कैसे पढ़ना है, ये आप खुद समझिए। आपको अपनी नींद से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, अपने फूड हैबिट से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, आपको त्याग तो करना ही पड़ेगा। जैसे बहुत सारी लड़कियों को काम होता है घर में, आप सुबह उठ जाइए ना, 2 बजे उठ जाइए, 2:30 बजे उठ जाइए, जब आपको पता ही है कि अगर आप 50 दिन पढ़ सकते हैं और पढ़ने के बाद अपनी लाइफ चेंज कर सकते हैं तो उसके लिए आप कुछ भी, कोई भी त्याग करने के लिए तैयार रहिए। ये मत सोचिए कि अरे छोड़ो थोड़ा देर और सो लेते हैं उसके बाद पढ़ाई शुरू करेंगे, अरे छोड़ो घर के काम कर लेते हैं, इनकी सेवा कर लेते हैं उसके बाद पढ़ाई करेंगे। तो याद रखिए कि जितना गुड़ आप डालेंगे उतना ही मीठा होगा। आप अपनी पढ़ाई में जितना ज़्यादा टाइम देंगे उतना जल्दी आपका सिलेक्शन होगा, जितना कम टाइम देंगे उतनी देर से आपका सिलेक्शन होगा। तो ये कम्प्लीटली आप पे डिपेंड करता है। अभी ये 50 दिनों में आप अपनी तकदीर लिख सकते हैं, हो सके तो बहुत ही कमाल लिखिए, हो सके तो अपनी तकदीर ऐसी लिखिए जिसमें आप एक फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट स्ट्रांग वुमेन रहे। तो मैं आपको यही कहूँगी कि ये 50 डेज सिर्फ और सिर्फ अपने लिए यूज़ कीजिए, अपने लिए अपने टाइम को डेडिकेट कीजिए, फिर देखिएगा जिंदगी में हर कुछ पॉसिबल होगा। तो बस अब मैं वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।